तो कुछ भी खिला दो, तुम खा लो गुम। हे गाइज, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से व्लॉग बना रही हूँ। आज हम जा रहे हैं स्टेशन अम्मी को छोड़ने के लिए। अम्मी जा रही हैं बिहार। सो अभी मिराज ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से हाफ डे में आ जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे छोड़ने। शाम की ट्रेन है तो 3 बजे तक निकलेंगे यहाँ से। सो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़े बहुत काम है वो निपटा लेती हूँ और नहा के रेडी हो जाती हूँ। तब तक मिराज भी आ जाएंगे, फिर मिलते हैं। सो गाइज, मिराज अभी जा रहे हैं ऑफिस। कब आओगे तुम ऑफिस से? ठीक है, तब तक मैं रेडी हो जाऊंगी। चल भाई ऑफिस। सो उठो, चलो जाओ, काम करो। तो जाओगे नहीं तो कमाओगे क्या? 2000 सब्सक्राइबर से पैसे आएंगे तुम्हारे? बढ़ेंगे नहीं है कभी? बढ़ेंगे तो छोड़ देना ऑफिस। ये देखो मेरी शर्ट, देखो फटी हुई पहनता हूँ मैं शर्ट। जो टी शर्ट पहने वो तो दिखाओ। अरे वो छोड़ो, फटी हुई शर्ट पहनता हूँ। आप गरीब हूँ बस, अब क्या। मैंने पहन लिया फटी हुई शर्ट। दिखा इतनी सी, इधर आ जाओ, इधर से तो आ रहा है। चलो मैं फिर निकलूं। टाटा बाय बाय गाइस। हमें ये पार्सल रिसीव हुआ था स्टैमियो की तरफ से। ये अप्रैल में ही आया था पार्सल, बट हम इसे यूज नहीं कर पाए थे। स्टैमियो ने ये हमें भेजा है यूज करने के लिए। सो अभी इसका अनबॉक्सिंग भी नहीं हुआ है, तो सोचा हमने कि सैटरडे को इसको अनबॉक्स करेंगे। एंड इसके अंदर में भी शायद मुल्तानी मिट्टी है या फिर स्क्रब है, फेस वॉश है, जो भी है यूज करके। स्टैमियो वालों ने कहा है कि यूज करना एंड जेन्युइन फीडबैक देने के लिए कहा है। सो इसका व्लॉग हम फ्राइडे को बनाएंगे अनबॉक्स करके, मे बी या सैटरडे को बनाएंगे। सो आपको भी दिखाएंगे इस स्टैमियो की तरफ से क्या आया है हमें पार्सल। सो गाइस, अम्मी के ले जाने के लिए खाना भी तैयार हो चुका है लगभग लगभग। ये मैंने आलू की भुजिया बनाई है और ये एग बॉईल किया है, और अभी जा रही हूँ पूरियाँ तलने के लिए। ठीक है। Two hours later. काम बंद हो गया आज ही से। तो सही है, एक हफ्ता और रुको। काम बंद हो गया तो एक हफ्ता और रुक जाओ, इसमें क्या है। काम होता रहा तो टेंशन नहीं होता। काम बंद हो गया, कलर रेड था। पहले ही लोगे क्या? हमें देना है वो 200 वाले। नहीं तो भैया। तो फाइनली गाइस, हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। तुम्हें भी जाना है क्या? चले जाओ तुम के साथ, भाग जाओ। अब इधर आएगी। तो भाई आ गई है ट्रेन, और लिच्छवी एक्सप्रेस। माता जी जाएंगे लिच्छवी एक्सप्रेस से। ये बैठी अम्मी और भाभी। डांट दिया, भाग रहे। हाँ ये नंबर यही भैया देख तो है ये वाला। एक्सप्रेस की यात्री को सूचित किया जाता है, गाड़ी के दरवाजे 17:20 पर खुलेंगे, कृपया शांति बनाए रखें। वो तो फोन में भी देख के हो जाएगा टिकट। टिकट वो तो फोन में ही हो जाएगा, नीचे का है ना दोनों। नहीं ऊपर है। चलो भाई टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया?
चलो भाई निकलते हैं हम लोग। अच्छा सो गाइस हम स्टेशन से निकल गए अम्मी को और भाई भाभी को ड्रॉप करके, और अम्मी लोग को सीट भी मिल गई, सब लोग अच्छे से बैठ बैठ गए और हमने सीट भी एक्सचेंज करवा दिया था अम्मी का, क्योंकि मिराज ने टिकट बाद में करवाया था अम्मी का, तो उनके दूसरे बॉगी में, हाँ दूसरे बॉगी में सीट थी, तो एक अंकल थे अच्छे से हमसे बात बात करके सीट वगैरह चेंज करवा लिया। अब हम जा रहे हैं, कुछ काम है, काम के लिए सामान लेना है कुछ। हाँ मिराज को कुछ सामान वगैरह लेना है अपने काम का, सो अभी वहाँ पे जा रहे हैं। और मुझे मिराज भूख लगी हुई है बहुत ज़ोर से, क्योंकि मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ, बस जो तुम्हारे साथ चाय ब्रेड खाई थी वही खाई हुई हूँ। चलो घर पे खाना खाएंगे, बाहर खाऊंगी मैं। हाँ ना खा लेना। क्या भरना है तुम्हें? कुछ भी खा लूंगी, बस नॉन वेज होना चाहिए। कुछ भी भी? हाँ कुछ भी बोला वो खा ले। ये तो सुबह सुबह कहते हो कुछ भी बना दो, कुछ भी लंच में डाल दो। फिर बोलता भी हूँ मैं कि कुछ भी खाना दे दो, लेकिन तुमने कुछ भी बोला है। हाँ तो कुछ भी खिला दो, तुम खा लो गु। सो गाइस हम जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा काम वाम है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस मिराज का सारा काम वगैरह हो गया, जो भी बाहर का काम था, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज की भूख लग रही है। सो मिराज का पुराना ऑफिस था, वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छा बनाता है ऐसे रोड साइड पे। सो अभी हम यहाँ पे रुके हैं खाने के लिए, फ्रेंच फ्राइज खाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर खाना खाएंगे, क्योंकि मैं खाई नहीं हूँ कुछ भी, तुमने शायद खाया हो बट मैं नहीं खाई। चालीस का बस इतना था अंकल, चालीस का कितना है? पचास और चालीस रुपए था, पचास पचास बड़े वाले प्लेट भी दे दो, गाड़ी में सब गिर जाएगा। ठीक है धन्यवाद। सो गाइस हमारा आ चुका है टेस्टी टेस्टी फ्रेंच फ्राइज, सस्ता 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 क्या टेस्टी है। तो अब हम जा रहे हैं, अब समर ने पहले खाया आलू, अभी चरी रही है। समर ने अकेले नहीं खाया, समर ने अकेले खाया है, ये देखो समर अभी खा ही रही है, देखो कैसे पसर के, मुझे तो दे ही नहीं रही, मैं तो ड्राइवर हूँ, देखो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और अब कह रही है कि अब आलू खा लिया, अब मेरे को खाना है, पहला खिला दिया कैमरे के लिए। तो अब खा लिया आलू, अब जा रहे हैं हम लोग, अब इनको टेस्ट अच्छा है, मतलब ठीक है, जौन सा भी है, रोड साइड खाना ज्यादा टेस्टी होता है। ठीक ठाक बिस्मिल्लाह आराम से, और टी शर्ट पे अगर गिरी ना चटनी तो बताऊंगा, जब गाड़ी चला लो फोन रख के। चलो मिलते हैं, रोल लाए? हाँ एचओडी। ठीक है और ये वाले भैया को देख के ना डर लग रहा था जब से, मुझे क्यों इधर ही देखे जा रहे थे, इधर ही देखे जा रहे थे, कुछ नहीं क्या करेगा, उस तरफ करके खाते हैं ना। सो गाइस हम गए थे चिकन चावल खाने के लिए, बट वहाँ पे हमारा पोपट हो गया, पता नहीं क्यों आज शॉप बंद थी चिकन चावल की, और जाते जाते गाड़ी भी ठोक गई। हाँ गाड़ी ठोक गई, गिनी गई, वो ऑटो वाला आ गया, अचानक चला गया था, उसने छाप दे दिया अपना हरा हरा। हमें तभी समझ जाना चाहिए था हमें आगे नहीं जाना है, बट हम फिर भी गए। अभी दिखाता हूँ मैं बाहर निकल के, और हमारा पोपट हो चुका है बहुत गंदा वाला। सो फिर कुछ तो खाना ही था, तो हम कालका जी से, इतनी ज्यादा ट्रैफिक देखो अभी भी शाहीन बाग में, इतनी सारी ट्रैफिक है, दिमाग खराब हो रहा है चलाने में, है रुक रुक के, ओह दिमाग खराब हो रहा है, तुम्हारा होगा दिमाग, मेरा नहीं, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। तो हम कालका जी से फिर वापस से शाहीन बाग आए, अभी इधर से ही गए थे हम अभी नोएडा होकर के, फिर हम वापस यहाँ पे आए, बहुत सारे ट्रैफिक को पार करते हुए, वो सामान लेने गए थे ना ओखला, इसलिए दोबारा उधर जाना जल्दी जरूरी था। अभी हमने एचओडी से रोल लिया है चिकन रोल, सो अब हम वो वहाँ बैठ के नहीं खाए, क्योंकि लेट ऑलरेडी हो चुके थे घर। ये एचओडी का रोल है भाई, बहुत टेस्टी, खाया तो अच्छा लगा तुम्हें? हाँ मुझे तो अच्छा ही लगता है। अच्छा और क्या, जब ये 50-40 रुपए में मिलता था तब से खुद ही नहीं था। खाओ
ये देखो कुछ ऐसे ऑटो वाले ने लगाया ये और ये खुल गया ढक्कन इसका, कमजोर है देख रहे हो। तो ये मारा है ऑटो वाले ने आज, देखो समर गाइस। हम लोग घर पे आ चुके थे और खाना वगैरह खा के अब हम निकल गए हैं संगम विहार जा रहे हैं मिराज के पुराने वाले घर पे। वहाँ पे थोड़ा सा जो सामान खरीदा है वो रखेंगे, हाँ जो भी सामान मिराज ने खरीदा है वो सब, फिर हम वापस आएंगे, फिर जाएंगे गाड़ी लगाने पार्किंग में, उसके बाद घर जाएंगे, घर जाएंगे फिर सोएंगे। और अभी बाइक की चाबी ढूंढनी है, वो है कहाँ। और इस ये सब करते करते हमें 2 बज जाएंगे, फिर कल मिराज को ऑफिस भी जाना है। 2 नहीं 1 घंटे में तो आ ही जाएंगे। हाँ अभी 11 एक तो बजे गए 12:30, अभी बाइक की चाबी देखते हैं कहाँ है, नहीं तो फिर रात को ऑटो लेना पड़ेगा। मिराज ट्रैफिक जाम खुला होगा जब ना, खुला होगा देखो, खुला दुआ करो या अल्लाह नहीं खुला हो, या अल्लाह या अल्लाह बंद है, बदतमीज बंद है। कोई बात नहीं, मुझे ये कुल्फी खिला देना। खुला है लेकिन पैकअप हो गया, पैकअप। चलो कोई नहीं गाइस, अभी हमारी गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है, सो हम जा रहे हैं पहले पेट्रोल पंप, देन उसके बाद हम जाएंगे संगम विहार। सो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। और ये डल रहा है पेट्रोल, देखते हैं ना आ रहा। Into the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turned back.